स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपनों का देखना आगामी जीवन से जुड़ा हुआ होता है। कुछ सपने शुभ संकेत देते हैं तो कुछ सपने अशुभ संकेत देते हैं। यह जीवन में आने वाली मुसीबत एवं खुशियों का संकेत देते हैं। कई सपने मन में डर बना देते हैं, क्योंकि सपना देखने के बाद व्यक्ति को उसके साथ कुछ गलत होना दिखाई देता है। लेकिन कई सपने ऐसे हैं जिन पर देखने से आने वाले निकट भविष्य में आप धनवान बन सकते हैं, ऐसा संकेत देते हैं। ज्योतिष आचार्य पंडित पंकज पाठक के अनुसार बताया गया है कि सनातन धर्म में स्वप्न शास्त्र का विशेष महत्व है। इस शास्त्र में विभिन्न प्रकार के सपनों के बारे में विस्तार से बताया गया है। सपनों के अनुसार अच्छा या बुरा संकेत हमें मिलता है। ऐसे में कई सपने किसी भी माध्यम से आपकी आमदनी बढ़ सकती है, इसके संकेत देते हैं। तो आइए जानते हैं वह कौन से सपने हैं जिन्हें देखने से हमारे लिए शुभ होता है। देखिए, स्वप्न शास्त्र के अनुसार जो कुछ भी हम स्वप्न में देखते हैं उनमें से कुछ वस्तुओं का हमारे जीवन से या आने वाले भविष्य से, आने वाले समय से उनका संबंध रहता है। यह एक इंडिकेशन है या एक दिशा निर्देश है या यह एक संकेत है जिसको देख करके हम आगामी भविष्य से संबंधित कुछ विचार सामने रख सकते हैं। कुछ स्वप्न ऐसे होते हैं जिनके संकेत या फल अशुभ होते हैं, कुछ स्वप्न ऐसे होते हैं जिनके संकेत जो हैं शुभ भी होते हैं, कोई स्वप्न धनकारक होते हैं, कोई स्वप्न जो है वह डरावने भी होते हैं जिनको देख करके व्यक्ति के मन में भय भी उत्पन्न हो जाता है। तो अभी हम वर्तमान में जो धनकारक स्वप्न हैं जिनको देखने से धन के योग बनते हैं उस पर हम विचार करते हैं। यदि स्वप्न में व्यक्ति उल्लू को देखता है तो यह माँ लक्ष्मी का वाहन है और निश्चित ही यदि उल्लू को हम बैठे हुए देखते हैं तो धन लाभ के योग हमारे जीवन में आने वाले समय में बनने जा रहे हैं, ऐसा हम स्वप्न का फल कह सकते हैं। यदि हम अलमारी या तिजोरी देख रहे हैं स्वप्न में तो यह भी आने वाले समय में धन संबंधी जो भी हमारे जीवन में परेशानी चल रही है वो परेशानी दूर होने का संकेत है। तीसरा, यदि हम स्वप्न में आम का बगीचा देख रहे हैं तो आम के बगीचे का स्वप्न देखना ये विरलतम स्वप्न है। ये सामान्य लोगों को इस प्रकार का स्वप्न नहीं आता कि हजारों लाखों में किसी एक व्यक्ति को इस प्रकार का आम का बगीचा स्वप्न में दिखाई देता है। तो यह स्वप्न भी सोफलकारक है, मंगलकारी फलकारक है। इससे निश्चित ही हमारे जीवन में सकारात्मक और लाभदायक फल की हमारे जीवन में प्राप्ति होगी। चौथा है गरुड़। यदि हम हमारे स्वप्न में गरुड़ को देख रहे हैं तो गरुड़ पक्षी जो है वो भगवान जगत, इस जगत के जो पालनहार हैं, जो जगदीश्वर भगवान नारायण हैं, उनका वाहन कहा जाता है। यदि हमने हमारे स्वप्न में उस गरुड़ को देखा है तो यह भी आने वाले समय में धन के साथ ही साथ मान सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, ऐसा इस स्वप्न का फल कहा गया है।